इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री देखी जाए तो लीड बैंक स्कीम एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। आपको लीड बैंक स्कीम के बारे में 2 से 3 बातें पता होनी चाहिए। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है 2 से 3 मिनट की, तो इसमें आपको लीड बैंक स्कीम के बारे में एक आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले लीड बैंक स्कीम कब इंट्रोड्यूस हुई, ये हुई थी 1969 में। बैंक नेशनलाइजेशन के बाद ये इंट्रोड्यूस हो गई थी 1969 में। बेसिकली कौन सी कमेटी थी आपके पास, गडगिल स्टडी ग्रुप एंड बैंकर्स कमेटी थी, उनकी रिकमेंडेशन थी। इस कमेटी के अनुसार ये फाइंड किया गया था कि जो रूरल एरियाज है दे वर नॉट इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ द बैंकिंग, उन्हें बैंकिंग का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। कौन सा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था। कमर्शियल बैंक्स डिड नॉट हैव एन एडिक्वेट प्रेजेंस इन द रूरल एरिया। कमर्शियल बैंक्स वो बैंक होते हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो फायदे के लिए काम नहीं करते। कमर्शियल बैंक्स की एडिक्वेट प्रेजेंस नहीं थी रूरल एरियाज में, एंड ऑल्सो लैक द रिक्वायर्ड रूरल ओरिएंटेशन विच वॉज हिंडरिंग द ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। क्योंकि वहां पे प्रेजेंस नहीं थी कॉमर्शियल बैंक्स की या बैंकिंग की प्रेजेंस नहीं थी, तो उनकी ग्रोथ रुक रही थी। सो इस एड्रेस को इश्यू करने के लिए ये डिसाइड किया गया कि कुछ एरियाज बैंक्स को दिए जाएंगे, या तो वो प्राइवेट या पब्लिक बैंक को, इन विच दैट बैंक हैड टू प्ले अ लीड रोल, जिसमें कि बैंक को एक लीड रोल प्ले करना है। ठीक है, तो व्हाट इज लीड बैंक, अ बैंक विच कोऑर्डिनेट द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक ऐसा बैंक जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे लीड बैंक का काम करेगा। तो लीड बैंक स्कीम 1969 में रूरल एरियाज में जो बैंकिंग सिस्टम है उसको, उसकी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए ये लीड बैंक स्कीम लेके आए थे। तो 1969 याद रखना, और कमेटी याद रखना, गडगिल स्टडी ग्रुप कमेटी।